एनपीएस क्या होता है? नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस ये एक सरकारी स्पॉन्सर्ड पेंशन स्कीम है। ये लॉन्च हुई थी जनवरी 2004 में केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, लेकिन 2009 में ये सबके लिए ओपन की गई। कौन खुलवा सकता है एनपीएस में अकाउंट? व्यक्ति जिसकी उम्र 18 से 60 साल के बीच है, वे लोग एनपीएस खुलवा सकते हैं। इसमें कंडीशन जो दोस्तों रहेगी वो सिर्फ ये रहेगी कि आप नो योर कस्टमर यानी कि केवाईसी कंप्लायंट रहें। क्यों एनपीएस? तो समझते हैं एनपीएस ही क्यों। तो पांच चीजों के द्वारा इस चीज को समझते हैं। पहला है कि एनपीएस जो है वो मैनेज करता है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको हम पीएफआरडीए बोलते हैं, और ये पार्लियामेंट एक्ट में के थ्रू क्रिएट किया गया था। इसमें जो भी आप कॉन्ट्रीब्यूशंस करते हैं एनपीएस में, वो टैक्स एग्जम्पशंस के अंडर एलिजिबल होते हैं। सेक्शन है उनके ATC, ATCCC और सेक्शन ATCCD सबसेक्शन 1 इनकम टैक्स एक्ट के। तीसरी चीज है दोस्तों, 2016 से इसमें एनपीएस के अंडर यानी कि एक एडिशनल टैक्स बेनिफिट इंट्रोड्यूस किया गया जो है 50,000 रुपए तक का। जी हाँ, 50,000 रुपए तक का ओवर एंड अबव आपके ATC ब्रैकेट के जो सेक्शन में आता है ATCCD सबसेक्शन 1B में। जैसा कि हमने समझा कि ये एडिशनल बेनिफिट है, तो ATC में एक बार आप 1.5 लाख रुपए का अगर आपका ब्रैकेट कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद के 50,000 जो है वो एनपीएस के थ्रू भी आप टैक्स सेविंग में दिखा सकते हैं। पांचवी चीज ऐसी है दोस्तों जिसके बारे में एनपीएस की एक बुनियाद है, क्योंकि एनपीएस एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको एक बहुत ही फोकस्ड वे में एक बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट करके देता है जो आप रिटायरमेंट कॉर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। तो कहाँ ओपन कराएं एनपीएस के और क्या लगते हैं इसके डॉक्यूमेंट्स? तो एनपीएस आप किसी भी ऐसी संस्था या बैंक में खुला सकते हैं जो रजिस्टर्ड हो। एग्जाम्पल के तौर पे प्राइवेट बैंकों में ICICI है और गवर्नमेंट में SBI। आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे एनपीएस का अकाउंट खुलाने के लिए, आपका आईडी प्रूफ और आपका एड्रेस प्रूफ। आईडी प्रूफ जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटिंग कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, और एड्रेस प्रूफ यानी कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, बैंक पासबुक जिसपे आपकी फ़ोटो, नाम पता वगैरह हो, और आधार कार्ड। इनमें से कुछ भी आप जमा कर सकते हैं, और 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। एनपीएस खुलने के बाद आपको क्या मिलेगा? जैसे हमें पैन नंबर मिलता है, उसी तरह एनपीएस में आपको पीआरएन नंबर मिलता है जिसे कहते हैं परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंटमेंट नंबर। एक बार आपका एनपीएस अकाउंट खुल गया तो आपको पीआरएन नंबर जरूर अलोकेट किया जाएगा, और बहुत सारी बड़ी बैंक्स जैसे कि ICICI, HDFC सिक्योरिटीज, SBI जैसी बैंक्स और संस्थाएं आपको ऑनलाइन फंड ट्रांसफर की सुविधा भी देती हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो ज़रूर लाइक कर दीजिए। जो भी आपके सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में जरूर